नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन QRS एंड QRSI, क्योंकि इन दोनों रिले का नाम मिलता जुलता है, QRS और QRSI। तो कई लोगों ने मुझे पूछा कि QRS और QRSI एक ही है या अलग अलग है, तो मैंने बोला भाई दोनों अलग अलग है और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो दोनों का हम डिफरेंस भी देखेंगे आज, और डिफरेंस के साथ साथ में इनका क्या काम है और सर्किट में ये कहाँ पर लगी हुई है वो भी आज हम देखते हैं। दोस्तों, मैंने और भी बहुत सारे जो वीडियो बनाए हैं, तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाके जो भी वीडियो आप देखना चाहें देख लीजिए। और दोस्तों, खबरी ऐप पर भी मेरा चैनल चलता है, तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर खबरी ऐप को डाउनलोड कीजिए और खबरी ऐप पर भी मुझे फॉलो कीजिए। मैं खबरी ऐप का लिंक इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके खबरी ऐप पर भी फॉलो कीजिए। मैं अच्छे अच्छे ऑडियो भेजता हूँ वहाँ पे, जो कि यूट्यूब पर नहीं मिल पाते हैं। तो आइए देखते हैं डिफरेंस QRS और QRSI के बारे में। QRS और QRSI दोनों इलेक्ट्रिकल रिले हैं। ध्यान ये रखना है कि QRS कंट्रोल सर्किट में लगी हुई है, बैटरी के द्वारा जो संचालित होता है, बैटरी की सप्लाई से ये काम करती है, और QRSI जो है वो पावर सर्किट में लगी हुई है। तो इनका कनेक्शन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये कनेक्शन कहाँ लगा हुआ है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं QRS कहाँ लगी हुई है। देखो, QRS रिले जो ये बैटरी की, ये ऊपर से बैटरी की सप्लाई आ रही है और यहाँ पर लगी है QRS। ठीक है, कैसे ऑपरेट होती है? RGB रेगुलेटिंग गवर्नर फॉर इमरजेंसी ब्रेक नाम का एक प्रेशर रिले है, जो BP पाइप पे इसका कनेक्शन है, और इसका इंटरलॉक QRS पे लगता है। QRS इनर्जाइज डी इनर्जाइज होती है। जब BP प्रेशर घटकर 2.5 kg हो जाएगा, तो QRS के ऊपर RGB का इंटरलॉक जो है खुल जाएगा, QRS डी इनर्जाइज हो जाएगी। और जब BP प्रेशर बढ़कर 4.2 kg होगा, तो ये इंटरलॉक वापस यहाँ लगेगा और QRS वापस इनर्जाइज होगी। तो QRS का इस प्रकार से कनेक्शन है। अब बात करते हैं QRSI कैसे लगी है। तो ये देखिए, QRSI RSI ब्लॉक के साथ QRSI 1 है और इधर QRSI 2 भी ये लगी हुई है, दोनों RSI ब्लॉक के साथ में लगी हुई है। ठीक है, तो जब भी ओवर करंट होगा पावर सर्किट में, तो ये QRSI पिकअप हो गए DJ को ट्रिप करा देती है, इसका NC इंटरलॉक खुल जाता है MT DJ पे और DJ ट्रिप हो जाता है। तो इस प्रकार इसके पावर सर्किट में इसके कनेक्शन को मैंने दिखाया। तो ये हो गया कि ये QRS जो कंट्रोल सर्किट में है और QRSI जो है वो पावर सर्किट में है। QRS बैटरी के द्वारा इनर्जाइज होती है, QRSI पावर सर्किट के द्वारा इनर्जाइज होती है। QRS का कनेक्शन RGB के साथ में है और QRSI का कनेक्शन डायरेक्ट पावर सर्किट के साथ में है। QRS कब इनर्जाइज डी इनर्जाइज होती है? जब BP प्रेशर घटकर 2.5 kg हो जाता है, तो डी इनर्जाइज हो जाती है, और BP प्रेशर बढ़कर वापस 4.2 kg होता है, तो इनर्जाइज होती है। QRSI क्या होती है? जब ये अलग अलग लोकों में अलग अलग सेटिंग है, तो WG5 की बात करेंगे तो 3600 एम्पियर जब हो जाता है करंट बढ़कर, तो ये इनर्जाइज हो जाती है, और इनर्जाइज होकर इसका NC इंटरलॉक MT DJ पे खुलता है और DJ को ट्रिप कराता है। या WG7 या WP4 लोको है, तो उसमें 4000 एम्पियर पर इसका सेटिंग है। यहाँ पे थोड़ी सी बात और जान लीजिए QRSI। QRSI जब भी पिकअप होती है ज़्यादा एम्पियर होने के कारण, जैसे कोई ट्रैक्शन मोटर ज़्यादा लो ले रही है, या हमने कभी जल्दी जल्दी नॉच लिया, तो भी QRSI ड्रॉप हो सकती है। तो QRSI जैसे ड्रॉप होगी, इसका टारगेट गिरेगा, उसको बिना सेट किए भी DJ क्लोज हो जाता है। ये प्रश्न भी मुझे कई लोगों ने पूछा था कि टारगेट हमने सेट नहीं किया, फिर कैसे DJ क्लोज हो जाएगा? क्योंकि ये ओवर करंट रिले है, ओवर करंट थोड़ी देर के लिए हुआ तो ये इनर्जाइज हुई, और जैसे DJ ट्रिप हुआ तो ओवर करंट तो खत्म हो गया, जीरो हो गया ना, तो फिर इसका NC इंटरलॉक वापस MT DJ पे लग जाएगा और DJ वापस क्लोज हो जाएगा, भले इसका टारगेट गिरा हुआ है। हमें इसका टारगेट रिसेट कर देना चाहिए खराबी को चेक करने के बाद, वो मैं ट्रबल शूटिंग में इसकी जो QRSI ड्रॉप होती है ट्रबल शूटिंग में बता चुका हूँ। तो आगे बात करते हैं और अंतर की। QRS कभी इनर्जाइज नहीं होती है, तो ज़रूरत पड़ने पर इसको वेज कर सकते हैं हम। वेज करने के बाद इसकी जो सावधानियाँ हैं, उन सावधानियों का पालन करते हुए हम गाड़ी को चला सकते हैं।
जबकि QRS ही तो ओवर करंट रिले है, इसलिए वेज करने का इसमें प्रावधान ही नहीं है, तो इसको वेज करने की बात ही सोचने की नहीं है। QRS में कोई टारगेट नहीं होता है, ये अधिकतर PCA टाइप की या OMA टाइप की रिले हो सकती है, इसमें कोई भी टारगेट ड्रॉप नहीं होता है, जबकि QRSA में क्या है, टारगेट ड्रॉप होता है। लेकिन इस बिन टारगेट अगर रिसेट नहीं करोगे तो भी डीजे क्लोज हो सकता है। ध्यान रखें, जब भी इसका टारगेट गिरता है हमें खराबी अवश्य चेक करना चाहिए कि ये भाई टारगेट क्यों गिरा। QRS जो है TR पैनल पे लगी हुई है, और QRSA जो है वो भी TR पैनल पे, QRSA सबसे ऊपर लगी रहती है और QRS जो है वो थोड़ी नीचे लगी रहती है। तो इस प्रकार हमने QRS और QRSI जो दोनों मिलती जुलती रिले है उनके बारे में डिफरेंस जाना। QRS यूं समझ लेगी मोटे मोटे तौर पर BP प्रेशर से संबंधित है, यानी कि BP प्रेशर ड्रॉप होगा तो डी इनर्जाइज होगी, वापस बन जाएगा तो इनर्जाइज होगी, ऐसा यूं कह सकते हैं। और QRSA जो है वो तो ओवर करंट से संबंधित है पावर सर्किट के, और यानी कि RSI ब्लॉक में या ट्रैक्शन पावर सर्किट में कहीं भी ओवर करंट हुआ तो QRSA ड्रॉप होगी। ट्रैक्शन पावर सर्किट हमारे पास दो है, तो ट्रैक्शन पावर सर्किट वन के लिए QRSA वन होती है और ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर टू के लिए QRSI टू होती है, तो जो भी QRSA होगी वो उसके हिसाब से ड्रॉप होगी। तो इतना समझने के बाद में शायद आपको समझ में आ गया होगा कि QRS एंड QRSI दोनों अलग अलग चीज़ें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको ये पसंद आया। और हाँ दोस्तों, खबरी चैनल पे आप मुझे फॉलो अवश्य कीजिए। धन्यवाद।